पूर्ण आदि युवा संगठन का आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये एक ही विषय था, जो उस दिन आपका 18 तारीख को जो हमारा पान अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल आपका जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो प्राइमरी गवर्नमेंट को 13 पॉइंट जो मेमोरेंडम सबमिशन किया था, तो उसमें आपका 9 पॉइंट में आपका नल एंड वॉइड, तो ये नल एंड वॉइड को हम लोग पहले से भी ये सोचा है कि ये एक ये है आपका ये फाइनल नहीं होगा, आपका पब्लिक डोमेन में प्लेस कर रहा है, ये तो गवर्नमेंट में फाइनली नहीं जाएगा। तो देखा है तो उस दिन गवर्नमेंट में चला गया, तो गवर्नमेंट ने अभी कमीशन में भेजा है, तो इसका अगेंस्ट में हम लोग आज ये कर रहे हैं कि ये इसको रिकन्सिडर करना चाहिए, स्पेशली जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और गवर्नमेंट को भी ये रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि ये इतना इंडिविजुअल आप टू आपका 2-3 thousand बेस्ट माइंड ऑफ द स्टेट आपका 8 years का इन लोग तो क्रैक करते हैं ना ये आपका APCS, तो वो अभी अपना अपना पोस्ट में है, सारा स्टेट में पहला हुआ है, तो इनको हम लोग विदाउट पोल फ्रॉम देयर देयर साइड इसको हम लोग निकालना, ये हम लोग को गलत लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात ये है कि हमारा अरुणाचल में हम लोग अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ करना चाहिए, या हमें कोर्ट का ये अगर हम किसी इंडिविजुअल ने कोर्ट से हम वहाँ पे भी बोला है कि कोर्ट का दरवाज़ा कटकटा के या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से ये केस को लाने से हम कुछ नहीं कहता, लेकिन हम सब जो अफेक्टेड है अभी जिसको नालेन बैठ कर रहा है, इसने भी तो आवाज़ उठाया था ना, इसका माँ ने भी आवाज़ उठाया, उसका भाई ने भी आवाज़, उसका बहन ने भी आवाज़ उठाया, हमने भी आवाज़ उठाया कि हम APCS पेस्को को क्लीन करना है, हमारा पास में जो हुआ है प्रेजेंट में जो हो रहा है ये फ्यूचर में नहीं होना है, ये कम्प्लीटली क्लीन होना है, लेकिन अभी फाइनली इसको फाइनल में वहाँ 18 में भेजा है, उससे हम लोग शौक हो रहा है कि ये चीज़ गलत हो रहा है। फिर हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि हम लोग ये हम लोग का संगठन भी ये नहीं बोल रहे कि इल विल से ये किया है, ये गवर्नमेंट को आपका प्रेशराइज करने का एक टेक्निक था, और आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ माने कन्फ्यूजन ये चीज़ को हमारा ऑर्गेनाइजेशन या स्टीयरिंग कमिटी या जो लीडिंग स्पेयर हेड किया है इन लोग ने डाला है, क्योंकि ये सारा अरुणाचल को पब्लिसाइज प्लेबिसाइज करके तो ये बनाया नहीं है, हम सब हर घर से हर डिस्ट्रिक्ट से हर जिला से हर बस्ती से सपोर्ट करके बेहतर रहे, लेकिन ये तो डायरेक्ट रीचेबल नहीं है ना कि ये पॉइंट को आप पोरो ये करो ये मत करो ये करो, तो अभी तो डायरेक्ट ये हर घर को इफेक्ट हो रहा है, हर माँ को इफेक्ट हो रहा है, हर भाई को इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। आप सोच के देखिए आप 8-9 years से आप 7-8 years से आप इंजीनियरिंग पोस्ट में ये कर रहे हैं, आप CEO कर रहे हैं, आपने कुछ चोरी नहीं की है, अपना इंटेलेक्चुअल है, अपना टैलेंट से मिला है, तो अभी वो कहाँ जाएगा, इन लोग क्या करेगा। अभी जो गवर्नमेंट ने तो ये आपका पोर्टी तो कर दिया, जो अभी एस्पायरेंट है इसका तो चांसेस है, उसका होगा ना नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो होके बेटा है उसका माँ पिताजी उसका भाई बहन लोग का क्या हाल होगा, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्लियरली गवर्नमेंट को भी रोल बैक करने के लिए मांग कर रहे हैं, और स्पेशली जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को ये चीज़ को रिकन्सिडरेशन के लिए हम लोग बात करना चाहिए, ये इसका योजना बनाना चाहिए, सो देट हम ये एक दूसरे को माने इफेक्ट ना हो, हम किसी को ये नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट गिव जस्टिस टू अदर्स बाय प्रेसिंग द अदर्स, एक आदमी को आप जस्टिस देने के लिए आप 100 आदमी को नहीं मार सकते ना, क्या ये आप 2-3 thousand जो 9-8-9 बेड्स में इन लोग अपॉइंटमेंट किया है या जो सर्विस कर रहे हैं वो भी तो हमारा भाई है ना, हमारा बहन है, तो ये तो कोई नॉन अरुणाचल नहीं है, अरुणाचल ही नहीं है, तो इसको हम लोग इसके लिए क्यों हम लोग नहीं सोच रहे, क्या इन लोग को हम लोग ऐसे होते हुए देख सकेगा क्या, तो ये चीज़ हम लोग का क्लियर स्टैंड है। सर
थैंक यू। लास्ट जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जब ब्रीफिंग दिया था, जब सब प्रोजेक्ट वगैरह खत्म होने के बाद, वो लोग ब्रीफिंग में ये बोला था कि वो लोग गवर्नमेंट के सामने में ये बोला नरेंद्र मोदी के ऊपर में गवर्नमेंट को ऐसा बोला था कि आप लोग एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन दो, हम ये नरेंद्र मोदी को नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट के साथ कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं था, इसलिए ये लोग वो लोग नरेंद्र मोदी को कंसिडर किया है। देखिए सोशल मीडिया थ्रू से भी और अपना अपना ओपिनियन एरिया एरिया से दिया है, अगर ये इसको नालेन बैठ करता भी है तो एक ऑप्शन तो देना चाहिए ना इन लोग को, तो बिल्कुल ऑप्शन का भी प्रिपेयर नहीं है, डायरेक्ट आपका नालेन बैठ फाइनल करना, ये तो गलत बात है। तो गवर्नमेंट को अभी हम लोग मिल के ये चीज़ को, गवर्नमेंट को भी हम लोग का क्लियर डिमांड है, क्लियर रिक्वेस्ट है, इसको रोल बैक करना है, और ये हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी हम लोग रिकॉन्सिडरेशन के लिए अपील करता है। सर नरेंद्र मोदी को छोड़ के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आप लोगों की तरफ से क्या होगा? अल्टरनेटिव तो हमको तो देखा ही नहीं देता ना, अल्टरनेटिव ये है कि हम इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम सारा अरुणाचल एक साथ करके इसको लड़ रहे हैं। अब बड़ा मछली जितना भी ये मीडिया में दिखाई दे रहा है, बड़ा मछली को पकड़ना है, जो बड़ा मछली को पकड़ेगा सारा ये को जो इन्वॉल्व है उसको पकड़ेगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना। अभी देखिए ताकत जेरंग का जितना किया है वो तो निकल रहा है ना, और कोई किया भी है, कोई असिस्टेंट कंट्रोलर ने, चेयरमैन ने, कोई ने किया है, तो उसको आप घिस घिस के निकालना है, तब तो आउट हो जाएगा ना सारा। ताकत जेरंग का तो ऑलमोस्ट शायद आउट हो रहा है, तो दूसरा को भी ऐसे आउट होगा तब तो सिर्फ प्रेस रहेगा ना, जो छोड़ नहीं है वो सिर्फ रह जाएगा। यही हम लोग का सुझाव है, तो इसके लिए हम लोग को यूनाइटेडली फाइट करना है। अंशु आपसु आपका जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी सारा कम्युनिटी का सोच को विश्वास विचार को लेके इन लोग आगे बढ़ना है, पहले जैसे था हमको अलग अलग नहीं होना चाहिए, यही हम लोग का अवसर। हाँ थैंक यू।